दोस्तों क्या आपको रियुकेंडो याद है? अब यार मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग रियुकेंडो सीरीज के बारे में जानते होंगे जो डिज्नी एक्सडी पर आया करता था। लेकिन अगर आपको इस शो के बारे में थोड़ी बहुत चीजें भी याद है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब देखो, इंडिया में एक वक्त ऐसा था जब लोग पावर रेंजर्स पर मरा करते थे। सोते जागते सब लोग पावर रेंजर्स देखते थे। मिस्टिक फोर्स, एसपीडी, इमरजेंसी, जंगल फोर्स, ऑपरेशन ओवरड्राइव, मैं आपको हजारों ऐसे नाम गिना सकता हूं। लेकिन रियुकेंडो इन सभी से अलग था और शायद इसीलिए भी ये मेरा फेवरेट शो था। सबसे पहली बात तो ये है कि रियुकेंडो एक जापानीज शो था और जहां पावर रेंजर्स में 5 से ज्यादा मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता था, रियुकेंडो में केवल 2 ही मेन कैरेक्टर्स थे और तीसरे को बेहद ही कूल तरीके से शो में लाया गया था। प्लस उनके ट्रांसफॉर्म होने के तरीके और ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन सूट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखते थे। तो दोस्तों ये कहानी है आकिनोबो शहर की, जहां पर बेहद ही पीसफुल कम्युनिटी के लोग रहते थे। अब एक पावरफुल स्पॉट की वजह से इस कम्युनिटी में मैजिकल पावर्स रिलीज हो जाती है और सीधे साधे लोगों पर डीमंस हमला करने लगते हैं। ये डीमंस लोगों को डराकर उनके अंदर से निकलने वाली माइनस एनर्जी को कलेक्ट करते हैं। इन डीमंस का मेन बॉस होता है डॉक्टर वॉर्म। अब डॉक्टर वॉर्म नेगेटिव एनर्जी को कलेक्ट करके डीमन किंग को जिंदा करना चाहता है। इन डीमंस से लड़ने के लिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट जन्म लेती है जो एकिनन पुलिस डिपार्टमेंट में ही छुप कर काम करती है। अब इस कहानी में हमारे मेन हीरो केंजी की एंट्री होती है। वो एकिनोबो शहर में बस घुसा ही था कि डीमंस की एक फौज पुलिस फोर्स पर हमला कर देती है। तभी अचानक एक आर्मर पहना हुआ हीरो वहां पर आ जाता है और उन डीमंस को एक ही झटके में हरा कर वहां से चला भी जाता है। अब केंजी उसे देखकर बहुत प्रभावित होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंजी एकिनोबो शहर में पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए आया था। अब शहर में घूमते वक्त एक और डीमन वहां पर हमला कर देता है। केंजी लोगों को उस डीमन से बचाने के लिए लड़ने लगता है और स्टोरी में एंट्री होती है जेनकी रियुकेन की। जेनकी रियुकेन एक तरह का डिवाइस है जिसकी मदद से एक आर्मर्ड हीरो में कन्वर्ट हुआ जा सकता है। अब इस डिवाइस की मदद से केंजी रियुकेंडो में ट्रांसफर होता है और उस मॉन्स्टर को हरा देता है। अब जब अगली बार केंजी की आंखें खुलती है तो वो शॉर्ट के हेडक्वार्टर्स में होता है। अब यहाँ पर केंजी एक और मॉडर्न वॉरियर रियुगानो से मिलता है जिसका रियल नेम फुडो था। अब वो रियुगानो ही था जिसे सबसे पहली बार हमने डीमन से लड़ते हुए देखा था। उसके पास भी एक डिवाइस है जिसकी मदद से वो ट्रांसफॉर्म हुआ करता था। अब शॉर्ट में काम करने वाले लोग मैजिकल पावर से अलग अलग कीज तो बना सकते थे जिनसे इन मॉडर्न वॉरियर्स को अपग्रेड्स मिल सके और बस यही इस शो का सबसे मेन हिस्सा है। दो मॉडर्न वॉरियर्स रियुकेंडो और रियुगानो अपने बोलने वाले डिवाइस की मदद से ट्रांसफॉर्म होते थे और हर एपिसोड में डीमन से लड़ते थे। लेकिन क्या बस इस सिंपल सी स्टोरी की वजह से ही ये इतना हिट हुआ था? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि रियुकेंडो और रियुगानो के सूट्स बेहद ही लाजवाब थे। उसे पहना हुआ देखकर हमें सच में लगता था कि वो ताकतवर बन गए हैं। बात तो सही है। इसके अलावा ये वॉरियर्स बहुत सारे बीस्ट्स को भी अनलॉक करते थे जिनकी मदद से अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट हुआ जा सकता था। अब रियुकेंडो एक बहुत ही अलग और मजेदार शो इसीलिए था क्योंकि इसमें दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स इतने मजेदार थे। केंजी और फुद्दो के बीच का रिलेशनशिप बहुत ही फनी था और सच कहूँ तो ज्यादातर लोगों के ये फेवरेट कैरेक्टर्स भी नहीं होंगे। अब ज्यादातर पावर रेंजर्स के शो में 4-5 मेन कैरेक्टर्स होते हैं और हर एपिसोड में उन मेन कैरेक्टर्स की अलग अलग स्टोरी दिखाई जाती है। लेकिन रियुकेंडो में जो साइड कैरेक्टर्स थे वो इस शो की जान बन गए थे। अब देखो, केंजी तो ऑब्वियसली हमारा मेन कैरेक्टर था ही, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता था कि कोई विलन सिटी पर हमला कर देता है और रियुकेंडो रियुगानो उन्हें बचा लेते हैं। दरअसल कहानी को स्टोरी के अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाया गया है। ऑडियंस इनसे तुरंत कनेक्ट होने लगती है और देखती है कि आकिनोबो शहर के लोगों के लिए रियुकेंडो कितना महत्व रखते हैं। अब मेनली शो को फनी बनाने के लिए कैरेक्टर्स को बुद्धू जैसा दिखाया गया है, लेकिन इसके बाद भी शो के कुछ मोमेंट्स आपकी आंखों में आंसू ले आएंगे। वैसे सच कहूं तो इनकी बुद्धू जैसी हरकतें ही मुझे बेहद पसंद आती थी। अब देखो, जापानीज लोगों को अच्छे से पता है कि ऑडियंस को क्या देखना पसंद होता है। उन्होंने रियुकेंडो को केवल फनी ही नहीं बनाया था बल्कि उन्होंने इसे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी दी थी। अब उन्हें अच्छे से पता था कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पर हीरोज को पावर अप्स देना है, जैसे कि जब केंजी फायर कॉन्ग को अनलॉक करता है। अब पर्सनली ये मेरा फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन है। केंजी इस बीस्ट की मदद से फायर रियुकेंडो में बदल जाता है। इसके अलावा वो एक्वा रियुकेंडो और थंडर रियुकेंडो में भी ट्रांसफॉर्म होता है। अब सच कहूं तो इस शो के विलेंस भी बहुत अच्छे हैं। रियुकेंडो को टक्कर देने के लिए जैक मून आता है और रियुगानो को टक्कर देने के लिए
लेडी गोल्ड आती है। अब इन दोनों विलन से लड़ते वक्त ही हमें एक नए मॉडर्न वॉरियर से मिलवाया जाता है जिसका नाम है रियोजिनो। अब श्रीनामी जो रियोजिनो बनता है मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। वो एग्जैक्टली विलन तो नहीं है लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर्स का दोस्त भी नहीं है। अब देखो उसके माता पिता शॉर्ट के लिए काम किया करते थे और श्रीनामी शॉर्ट को उनकी मौत के लिए ब्लेम करता था। इस कैरेक्टर ने शो में और ज्यादा जान डाल दी थी। इन तीनों मेन कैरेक्टर्स के बीच के इंटरेक्शन हमेशा ही फनी हुआ करते थे। अब रियुकेंडो, रियुगानो और रियुगिनो बस यही तीन कैरेक्टर्स थे जो मिलकर डीमन से लड़ा करते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया इनके ट्रांसफॉर्मेशन इतने परफेक्ट हुआ करते थे कि पूछिए मत। मैग्ना रियुगानो सूट भी मेरा फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद जब केंजी गॉड रियुकेंडो में बदलता है तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इस शो की हर एक चीज बेस्ट है। मैंने आज तक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं देखे थे। हर एपिसोड में आने वाले विलन्स क्रिएटिव थे। केंजी और फुद्दो की राइवलरी और ज्यादा मजेदार थी और उस वक्त के मुकाबले इसका CGI भी बहुत ज्यादा अच्छा था। और सिर्फ एक्शन ही नहीं, शो में दिखाए गए रोमांटिक स्टोरी भी बहुत रियल लगती है। अब कैरेक्टर्स पहले ही एपिसोड में एक दूसरे से प्यार नहीं करने लगते बल्कि धीरे धीरे उनका बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। अब मेरे ख्याल में रियुकेंडो, रियुगानो और रियुजिनो का लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बेस्ट है। जब वे लोग तीन मेन विलन्स को एक एक करके हराते हैं तो उन्हें उनके बॉडी के अंदर से गोल्डन कीज मिलती है। इन गोल्डन कीज की मदद से वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं। हिंदी डब्ड वर्जन में इसे गोल्डन रियुकेंडो का नाम दिया गया है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि रियुकेंडो बीच कहानी में ही कैंसिल हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इस शो को आखिरी एपिसोड तक देखा है। अब देखो इसकी सबसे खास बात यह है कि स्टोरी समझने के लिए आपको हर एक एपिसोड लाइन वाइज देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको अगर जनरल स्टोरी पता है तो किसी भी एपिसोड को उठाकर देखा जा सकता है। अब रियुकेंडो की स्टोरी कंप्लीट हो गई थी जिसमें एंड में हमारे तीनों हीरोज साथ मिलकर डीमन किंग को हरा देते हैं। अब इसका अगला सीजन लाने के लिए कभी बात ही नहीं चली। अब आपका तो नहीं पता लेकिन मेरे दोस्तों में रियुकेंडो बहुत ही पॉपुलर था, लेकिन बदकिस्मती से आज के समय में इस तरह की सीरीज को किसी भी हालत में रिवाइव नहीं किया जाएगा। वैसे क्या आपने भी रियुकेंडो देखा है? अगर देखा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।